हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही पौष्टिक अचार जो कि आंवले का है और वो झटपट से तैयार होता है। आंवले के कई तरीके से अचार बनते हैं, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये फट से, अगर आपको मान लीजिए घर में मेहमान आए, अचानक बनाना है, तो भी हम आंवले का अचार तैयार कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं इसको चलिए नोट डाउन करते हैं। तो इस आंवले के झटपट अचार के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये आंवला लेंगे। 8 से 10 आंवले हैं, उन्हें धो के अच्छी तरह पोंछ लिया था मैंने और फिर छोटे छोटे इसे रफली चॉप कर लिया। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही छोटा छोटा काट लिया है। साथ में हमने एक छोटा सा आधे इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और इसको भी हमने ऐसे कूट के छोटा छोटा काट दिया है। साथ में हम कुछ इसमें मसाले डालेंगे, तो उसमें जैसे जो अचार के नॉर्मल बनते हैं, इसमें हम 2 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे और 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। साथ में 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची और 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमें इसे कड़वे तेल में बनाएंगे, तो 2 बड़े चम्मच कड़वा तेल हम पहले गरम करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें 2 चम्मच कड़वा तेल डाल के गरम करेंगे फ्यूमिंग पॉइंट तक। ये देखिए, ये इस चम्मच से, ये बड़े चम्मच से हमने 2 बड़े चम्मच ये कड़वा तेल लिया है करीब, और इसको हमने फ्यूमिंग पॉइंट तक गरम किया। अब हमने बंद करा हुआ है बर्नर, जिससे थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। तो अब ये हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले ये जो अदरक छोटा सा हमने टुकड़ा लिया था, कूट लिया था, सबसे पहले उसको डालेंगे और अब हम इसको धीमा ऑन कर देंगे। और सबसे पहले थोड़ा सा अदरक का जैसे ही कच्चापन जाता है, फिर हम राई मेथी वो सब डालेंगे इसके अंदर सूखे वाले। तो हम धीरे धीरे एक एक करके वो सूखे वाले सारे चीज़ें डाल देंगे। जैसे ही थोड़ा सा अदरक का कच्चा बन जाएगा, तो अब ये हम सबसे पहले ये सौंफ और धीमी आंच पे इसको थोड़ा सा भुन जाने देंगे, जिससे मसाले भी थोड़े से खुशबू दें और भुन जाएं। सब सूखे मसालों को हमने इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी देर हम इसको 2 मिनट तक ऐसे भून लेंगे। उससे क्या होगा, मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी जो अचार में अच्छी लगती है। और जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे, हम सबसे पहले ये आंवले जो छोटे छोटे पीसेस में हमने काट के रखे थे, इसको भी इसी में डाल देंगे। अब जो हमने सूखे पिसे हुए मसाले, जैसे कि ये 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ये नमक और ये लाल मिर्च, ये सब इसी में डाल देंगे हम और सबको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब हम इसे धीमी आंच पे खुला ही पकाएंगे। अब देखिए, ये आंवला अच्छी तरह से गल गया है। इसमें करीब 20 से 25 मिनट लगे। देखिए, बिल्कुल गल गया है आंवला और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, ना आंवले को भाप में पकाया। तो ये जो है, ये आप ज़्यादा सा भी बना के रख सकते हैं। इसको अब हम एक कांच के बोल में निकालेंगे, चीनी मिट्टी के या कांच के बोल में, क्योंकि आंवले को आप कभी स्टील या उसमें मत छोड़िएगा किसी मेटल में, नहीं तो वो अच्छा नहीं रहता है। आंवला करोड कर देता है, आपका बर्तन भी ख़राब हो जाएगा और अचार भी ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा अचार को किसी चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन में रखिए। तो अगर आप ज़्यादा भी बनाना चाहें, मैंने तो थोड़ा सा बना के दिखाया है, अगर आप ज़्यादा भी बनाना चाहें तो इसको बना के रख सकते हैं।
ये तो अभी फट से ख़त्म हो जाएगा 4-5 दिन में, तो इसे ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। वरना अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बना रहे हो तो उसमें दो तीन सावधानियाँ रखनी होगी। एक तो ये कि अच्छी तरह ये गल जाए और उसको खुला ही पकाइए, ज़्यादा देर ढकिए मत कि भाप उसके अंदर गिरे जिससे ख़राब होने के चांसेस हो। और दूसरा, तेल इस आंवले के ऊपर रहना चाहिए, जिस भी बर्तन में आप रखिए उसको, बर्नी या शीशी, उसमें तेल जो है वो आंवले की सरफेस से ऊपर होना चाहिए जिससे कि हवा के कांटेक्ट में अचार ना आना पाए। ये तो कोई भी अचार हो, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा दिन भी चलेगा। आंवले को अमृत फल कहा जाता है, तो ये किसी भी तरीके से बहुत हेल्दी होता है, तो इसे आप डेली खा लीजिए तो आपको काफ़ी सारा विटामिन सी आपके डाइट का मिल जाएगा। तो एक बार इसको कोशिश करके देखिए, ये फटाफट से झटपट तैयार हो जाता है। कोई भी मेहमान आया, आंवले अगर आपके पास हैं, यूँ बना सकते हैं आप, दो आंवले का दुगस करके डाले और फट से बन तैयार हो जाएगा। तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो ये तैयार है हमारा झटपट से तैयार अमृत फल आंवले का टेस्टी अचार। तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।